तो और शिनोबीज कैसे हो? तो आज मैं आपको बताऊंगा काकाशी हताके के कुछ फैक्ट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फैक्ट नंबर वन, काकाशी शारिंगान। आपको पता होगा काकाशी एक उचिया नहीं है, तो उसके पास शारिंगान आई कैसे? काकाशी का फ्रेंड ओबीटो उचिहा, ओबीटो ने काकाशी को बचाने के लिए उसे धक्का दिया था। जो बोल्डर काकाशी को ऊपर गिर रहा था वो ओबीटो को ऊपर गिर गया, तो ओबीटो की हाफ बॉडी क्रश हो गई। और जब ओबीटो को लगा कि बचने में कोई चांसेस नहीं है, तो उसने एज अ गिफ्ट अपनी आई काकाशी को दे दी। क्योंकि जब काकाशी जूनिन मरा था, तब ओबीटो ही वो बंदा था जिसने काकाशी को कोई गिफ्ट नहीं दिया था। दैट्स हाउ काकाशी गेट हिज शारिंगान। फैक्ट नंबर टू, ये भी शारिंगान रिलेटेड है। आपको पता होगा मांगयू शारिंगान को अनलॉक करने वाले बस कुछ ही लोग हैं, बट कम उम्र में मांगयू शारिंगान को अनलॉक करने वाले सिर्फ तीन ही लोग हैं, इताची, काकाशी एंड ओबीटो। फैक्ट नंबर थ्री, काकाशी ने फर्स्ट टाइम कामोई को इस्तेमाल करा था अकात्सुकी के मेंबर देईदारा से लड़ते टाइम। काकाशी ने इसके पहले कामोई को कभी इस्तेमाल नहीं किया था, तो देईदारा से लड़ते टाइम काकाशी बहुत ज़्यादा थक गया था और आउट ऑफ चाकरा भी हो गया था। फैक्ट नंबर फोर, जब ओबीटो अपनी दोनों शारिंगान काकाशी को दे देता है, तो काकाशी डायरेक्ट ही फाइनल फॉर्म अचीव कर लेता है सुसानो का। बेसिकली सुसानो की कुछ स्टेजेस होती हैं अपने फाइनल फॉर्म में जाने से पहले, लाइक स्कल फॉर्म, आर्मर फॉर्म, ह्यूमनाइट फॉर्म, एंड देन आता है परफेक्ट सुसानो। फैक्ट नंबर फाइव, क्या आपको काकाशी का नाम का मतलब पता है? काकाशी का नाम का मतलब होता है स्केयरक्रो, और जो काकाशी का सरनेम में हाताके उसका मतलब होता है फील्ड। और अगर काकाशी का पूरा नाम को प्रोनाउंस करें तो स्केयरक्रो इन द फील्ड, काकाशी हाताके। फैक्ट नंबर सिक्स, काकाशी जब आनू ब्लैक ऑप्स में ज्वाइन हो गया था, तब उसने अपने मिशन के दौरान बहुत सारे शिनोबियों को मौत के घाट उतार दिया था। इसी बीच काकाशी के ढेर सारे एनिमीज ने उसे कुछ नाम दिए, लाइक काकाशी ऑफ द शारिंगान एंड कोल्ड ब्लडेड काकाशी। फैक्ट नंबर सेवन, काकाशी ने अपने करियर में थाउजेंड्स ऑफ जूत्सु को मास्टर कर चुका है, बट उसने कुछ जूत्सु खुद से क्रिएट करे, लाइक चिदोरी एंड पर्पल लाइटनिंग। चिदोरी को काकाशी ने तब क्रिएट करा जब वो बहुत छोटा था, एंड पर्पल लाइटनिंग इज द अपग्रेड वर्जन ऑफ चिदोरी। फैक्ट नंबर एट, काकाशी एक बहुत इंटेलिजेंट शिनोबी है। उसने 5 साल की उम्र में ही निंजा अकेडमी को पास कर लिया था, और काकाशी ने 6 साल की उम्र में ही चुनिन एग्ज़ाम को भी पास कर लिया। फैक्ट नंबर नाइन, काकाशी किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बहुत डरता है, क्योंकि काकाशी रिन और ओबीटो की मौत का जिम्मेदार खुद को समझता है। रिन और ओबीटो की मौत के कुछ टाइम बाद ही काकाशी ने अपने सेंसर को भी खो दिया, इसीलिए काकाशी किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरता है, इसीलिए काकाशी ने कभी नारुतो को अडॉप्ट नहीं किया। फैक्ट नंबर टेन, काकाशी ने कभी अपना फेस रिवील क्यों नहीं किया? इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीज़न है कि एक शिनोबी को अपने इमोशन अपने एनिमी से छुपा के रखना होता है, इसीलिए काकाशी मास्क पहनता है। और दूसरा रीज़न ये है कि काकाशी को पहले ही पता था कि कोविड-19 आने वाला है। सॉरी, कि काकाशी बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखता है और बाकी लड़कियों से फ्लैट ना हो जाए, इसीलिए शायद एक रीज़न हो सकता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बट जाने से पहले वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब, और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।